मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने आगामी पंचायत चुनाव को कुशल बनाने पर संपन्न कराने के लिए शराब व सशस्त्र माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन सिंह क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई। आपको बता दें भोगांव में सशस्त्र फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी जिसमें देसी तमंचा व तमंचा बनाने के सभी उपकरणों के साथ पप्पू और संपूर्णा नंद पुत्र वाला दिन निवासी गांव तुलजापुर थाना भोगांव को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तमंचा बनाने वाला व फैक्ट्री चलाने वाला जो अपराधी है जो वह पूर्व में भी जेल जा चुका है, उसने बताया कि यह काम उसने अपने पिताजी से सीखा था जिसे वह अब तक करता आ रहा है। पकड़े गए अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के पास से तमंचे, कारतूस, तमंचे बनाने का सामान बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। पी न्यूज के लिए भोगांव से विकास तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय पुलिस अधीक्षक मैनपुरी सर के निर्देशन में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना भोगांव को कल सूचना मिली कि यहाँ गांव तुलजापुर से आगे नगला तार जाने वाली कच्चे रास्ते के पास ट्यूबवेल है, वहाँ के पास एक अवैध शस्त्र बनाने की सूचना मिली। पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है पप्पू उर्फ संपूर्णानंद पुत्र वाला दिन वो मिला, साथ में कुछ बने हुए और फैक्ट्री बना अवैध असलाह बनाने का सामान ये सब बरामद हुआ। और इसके बारे में पता किया गया तो ये पहले से भी अवैध फैक्ट्री बना में अवैध फैक्ट्री के लिए काम बनाता था तथा पूर्व में मुकदमे दर्ज है, तो उसको अभी जो भी सामान बरामद हुआ है उसके साथ न्यायालय भेजा जा रहा है। उसमें तीन चार जो है बने हुए तमंचे हैं, सामान जो बरामद हुआ है उसमें दो तमंचे हैं और 315 बोर के, एक 12 बोर के और प्लस उसके सामान कुछ बने हुए बनाने के सामान बरामद। सर, क्या पहले से भी कुछ मुकदमे हैं? हाँ, इसके ऊपर मुकदमे थे, दो मुकदमे पहले से थे 2016 में और 2018 में, इसके पहले भी जेल जा चुका है।